अपनी विभिन्न मांगों को लेकर पिछले कई दिनों से हड़ताल पर बैठे पंचायत कर्मचारियों ने आज अनोखा तरीका अपनाया है। सभी कर्मचारी जनपद कार्यालय के बाहर अर्धनग्न होकर शासन के खिलाफ नारेबाजी करते नजर आए। कर्मचारियों ने बताया कि हमारा नियमितीकरण किया जाए और शासन की जितनी भी योजनाएं हैं उसका लाभ दिया जाए। करीब 8 दिनों से हड़ताल पर रह रहे पंचायत कर्मियों ने पंचायत का सारा काम बंद कर दिया। वहीं हड़ताल की वजह से आम लोगों को पंचायत से संबंधित काम करवाने में काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है और पंचायत के भी सारे काम ठप पड़े हैं। पूरे जिले में लगभग 236 पंचायतें हैं और सभी पंचायतों का काम बंद होने की वजह से जिले में आम लोग दर बदर भटक रहे हैं। ये हड़ताल संयुक्त मोर्चा के बैनर तले चल रही है और कर्मचारियों का कहना है कि अगर शासन प्रशासन हमारी मांगे नहीं मानता है तो ये हड़ताल जारी रहेगी और आगे भी उग्र आंदोलन होगा जिसकी समस्त जिम्मेदारी शासन की रहेगी। विरोध प्रदर्शन किया गया है, आज कौन सा दिन है आप लोगों के विरोध का? आज संयुक्त मोर्चा का आज 8वां दिन है और आज हम सभी जो है अर्धनग्न की अवस्था में हैं और आज हम पूरा दिन अर्धनग्न ही रहेंगे। अभी हमने अर्धनग्न का निर्णय लिया है, आगे हम और भी जो है कार्यक्रम करने वाले हैं अगर हमारी मांगे नहीं पूरी की तो। क्या मुख्य मांगे हैं और आज मतलब किस प्रकार से यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया गया? हमारी मुख्य मांगे हैं नियमितीकरण और सभी हमारे जो मोर्चे के 17 अलग अलग हमारे जो संघ हैं उन सभी की अलग अलग मांगे हैं। हम उन सभी मांगों पर अटल हैं और जब तक सभी मांगे हमारी पूरी नहीं होगी तब तक हम हमारी अनिश्चितकालीन हड़ताल करते रहेंगे। कितने संगठनों का समर्थन आप लोगों को? हमारे पास अभी 17 संगठन है जिनका फुल सपोर्ट है हमको और हम उन सभी का साथ लेके हम आगे चलेंगे। ये आपकी जो हड़ताल है ये कब तक जारी रहेगी? ये अनिश्चित हड़ताल है, मतलब ये बंद होना नहीं है जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी। तो अभी आप जिस वहाँ से आए हो क्या कंडीशन है वहाँ की पंचायतों की? पंचायतों की कंडीशन भाई साहब अभी ये है कि बिल्कुल पूरी तरीके से काम ठप पड़े हैं, चाहे पंचायत लेवल पर हो, चाहे जनपद लेवल पर हो, चाहे जिला लेवल पर हो, तीनों जगह पर किसी तरह का कोई कार्य नहीं हो रहा। ग्रामीण विकास विभाग में किसी तरह का कोई कार्य अभी नहीं हो रहा है। अगर किसी को इमरजेंसी अगर आपका कोई काम हो तो वो हम लोग बिल्कुल अभी नहीं करेंगे। उसके लिए जो जिला प्रशासन से जो नियमित पदाधिकारी लोग हैं, जो नियमित वेतन पर हैं, वो लोग उसको कार्य को देखेंगे या तो वो देखें, हमारी तरफ से बिल्कुल कार्य नहीं होगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेंद्र कुमार चौहान है, मैं मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन का जिला अध्यक्ष हूँ।